भगवान की का गुणगान सिर्फ वहाँ पे मुख्य जो देवता ऋषि वगैरह थे वो बहुत सुंदर रूप से भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे दक्ष की पत्नी भी भगवान के सामने उनका गुणगान और प्रार्थना है। प्रार्थना ही क्या है कि हे भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि आप मेरे स्तर में पधारे हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा है, तो कृपया करके आप प्रसन्न हो और ये यज्ञ स्थल जो है वह शोभामा, उसकी शोभा जाए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से सब कुछ हो सकता है। और आप अगर नहीं प्रसन्न होते हैं और आपके बिना अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वे उदाहरण देती है कि सिर के बिना थड़ शोभा नहीं देता, इसी प्रकार से आपके बिना कुछ शोभा नहीं देता। तात्पर्य में प्रभा जी बहुत सारी बातें बताते हैं। पहली बात ये है कि भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश, तो इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई। भगवान का एक नाम यज्ञेश्वर है और वही सभी यज्ञों के भोक्ता है। और सभी यज्ञ का उद्देश्य ये है कि भगवान को प्रसन्न करें और यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्ष की पत्नी प्रसूति जानती है कि उत्तम बात जानती है। ये एडुकेशन मैं हमेशा कहती हूँ और हम देख सकते हैं जो अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं, वीमेन वर नॉट गिवन एडुकेशन, दिस इज नॉट द रियल थिंग, क्योंकि जो भी एडुकेशन है वो डेकोरेशन ऑन द टेबल। ऑल द पीएचडी, एमए पीएचडी, डॉक्टरेट, वॉट एवर इज देयर, ये सब जो है डेकोरेशन और मैरिज। तो इसको आज के आधुनिक रूप में कलयुग में लोगों को मानते हैं कि ये लॉरल्स, ये ही, और ये असली ज्ञान तो ये है जो यहाँ पे प्रसूति दे रही है, देवहूति दे।
करती है, कुंती माता देती है, जिन्हें भरे गंधारी जैसे माता सीता और सभी अन्य जो। ऐसा नहीं है कि वे ज्ञान से विमुख किए गए, कभी नहीं ऐसा। ये तो ये कलयुग के प्रभाव से, और कलयुग में तो सभी चीजें, और यही चीजें जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको ज्यादा जो महत्व दिया जाए, और वो है शरीर। तो भगवान यज्ञ, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में नौवें श्लोक यज्ञार्थं कर्मणो अन्यत लोकयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। तो यज्ञार्थ मतलब यज्ञ किसके लिए, यज्ञार्थ मतलब यज्ञ भगवान विष्णु उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना है, यज्ञ। तो इस कलयुग में जैसे हम पढ़ रहे श्री चैतन्य चरितामृत, इसीलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत जरूरी है, हम और गहराई से शास्त्र को समझेंगे अगर हम चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो। इसीलिए हर शाम हम चैतन्य चरितामृत का क्लास करते, सबको जुड़ना जरूरी है श्रीमद् भागवतम के साथ। अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो और भी सब बातें क्लियर हो जाएगा। तो यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञ मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य चरितामृत में बताया कि इस कलयुग में भगवान की पूजा कैसे की जाती है, भगवान की पूजा करी की जाती है संकीर्तन यज्ञ। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, जब हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, जब हम भगवान की कीर्तन करते हैं, यही पूजा है इस कलयुग में। तो यज्ञार्थ लोकयन, तो पूरे दुनिया ये कर्म बंधन से ये यज्ञ करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने इस युग में ये यज्ञ करना जरूरी है, भगवत गीता का आदेश भगवान ने यज्ञ यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन इस युग में कैसे करें, कैसे करें यज्ञ, यज्ञ के लिए बहुत चीजें चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे इस यज्ञ में कौन कौन है लोग उपस्थित है, ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है जो यज्ञ के जो करता है उससे शुद्ध सामग्री की चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा चीजें की जरूरत। तो कलयुग के लोग के लिए क्या उद्धार कैसे हो, कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे, हरिनाम संकीर्तन कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही रास्ता, जिसमें हम
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित होकर हमें शिक्षण दे कि हम अगर भगवान को की पूजा करना चाहते हैं तो यही पूजा है, यही यज्ञ है, यही सिद्धि है, यही परम गति के प्राप्त करने का रास्ता है और कोई नहीं। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा, तो इस प्रकार से दिखता नहीं, हमको दिखावा चाहिए ब्राह्मण उच्चारण। और इसी बात जो प्रश्रुति ने ऐसी बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उदय बोल रहे हैं कि आपके बिना कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप प्रसन्न नहीं है तो ये कर्म बंधना, सब कर्म बंधन के कारण, और हम सब जो है कर्म बंधन में फंसे हुए, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे यही एक बात है, वो है कर्म का फलों का हम भोग रहे हैं। और पता नहीं कौन से जन्म में कब कहाँ मनुष्य जीवन तो बहुत योनियों में से गुजरने के बाद मिलता है, इतने सारे योनियों में से गुजरने के बाद हमें फिर से मनुष्य, क्योंकि अगर हमारा पतन हो जाए, हम नीचे की योनि में चल जाए, तो हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को फॉलो करके कम टू द पॉइंट ह्यूमन बॉडी, तो पता नहीं कब कहा, हमें तो कल किया किया हमने, हमें स्मरण भी नहीं है, और अगर हम कुछ करते भी है उसका भी हमें भान नहीं है कि हम क्या कर रहे, तो कहाँ से हम कर्म के को समझे। परंतु अभी यहाँ फंस गए, उससे निकलने का एक ही रास्ता है, वो है यज्ञ। और इस युग में सबसे आसान रास्ता है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्य लोकयम कर्मवन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, मुक्त संग समाचर। अगर हम इस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए कार्य करेंगे, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात प्रसूति कह रही है कि आपके लिए कार्य, आपकी प्रसन्नता के लिए आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आप आए हैं, आप उपस्थित हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप जो है प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का अर्थ है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। अभी यहाँ पे उन्होंने इतना बुरा कार्य किया है, हमने हम पढ़ चुके हैं इन घटनाओं को, पढ़ चुके हैं हम, समझ चुके हैं। तो ये प्रार्थना करती है कि आप प्रसन्न हो जाए, और भगवान कहते हैं कि यस, मैं अगर प्रसन्न हो तो क्या होगा, अगर आप अपने सभी कर्म को मेरी प्रसन्नता के लिए करें, देयरफॉर सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज सैटिस्फैक्शन एंड इन दिस वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री
फ्रॉम बॉन्डेज, मुक्त संग समाज, मुक्त संग। तो यज्ञार्थ, यज्ञ मतलब कृष्णा, यज्ञ पुरुष, यज्ञेश्वर भगवान का, और वही भोक्ता है भोक्ता राम, इसीलिए ये शव, ये शरीर अपना है और ये मृत है। भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुरिदाम सर्वभूतानां शांति रचति, और यही शांति का एक ही प्रस्ताव, एक ही रास्ता है कि हम समझे कि भोक्ता कौन है भोक्ता। और यही प्रश्न है कि आप प्रसन्न हो जाएं, आपका ही सब कुछ है, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप सर्वलोक के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम सुरिद है, सुरिद सबके हितेशी है, सबके मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, सुरिद मतलब घनिष्ठ। सर्वभूताना सभी के मित्र है, और जो ये जान लेता है ज्ञात्वा मां शांति, the sage is knowing me to be the ultimate purpose of all sacrifice and austerity, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living beings, attain peace from the pangs of material miseries. शांति प्राप्त करने का यही फॉर्मूला है, प्रपंच है। तो अब ये सब चीजें जो है इस भौतिक जगत की जितनी भी प्रगति है वो शास्त्र के अनुसार शब्द, जैसे कि यहाँ पे बताया है, भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। भगवद गीता में कहा गया है कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किया जाए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा भव बंधन का कारण बन जाता है। तो एम आई सैटिस्फाइंग कृष्णा, is Krishna satisfied with what I am doing? That is the question we should ask. जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी हम कर रहे हैं, क्या भगवान हमसे प्रसन्न है, और क्या ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है? भगवान का यश, भगवान की महिमा, भगवान की गुणगान को बढ़ाने के लिए हो रहा है कि हमारा ही गुणगान, हमारा ही यश, ये व्यर्थ की चीज। यहां पर इसकी पुष्टि दक्ष की पत्नी ने की कि आपको आपकी उपस्थिति के बिना, मतलब आपको अगर आप किसी चीज से जुड़े हुए नहीं है, इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों ना सजाया जाए वह बेकार लगता है, शव को सजाने से क्या मतलब? यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू है। क्यों? क्योंकि आधुनिक सभ्यता के को उत्पन्न होने का गर्व है, किंतु यह सर्वविहीन धड़ के सदृश बेकार है। ऑल द
एडवांस क्वालिफिकेशन। मटीरियल सिविलाइजेशन इज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एडवांस बट इट इज एक्चुअली द यूजलेस ट्रंक ऑफ अ बॉडी विदाउट अ हेड। सो व्हाट इज द डेकोरेशन? Without Krishna consciousness, without understanding Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, तो यही उद्देश्य है, यही कार्य है कि क्या करना चाहिए? किंतु यह सिर्फ कृष्ण भावना में हुए बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी ही आकृष्ट प्रगति क्यों ना कर ले, किसी का कि नहीं है। तो जो कुछ भी हम करते हैं हमारे जीवन में, हम किसी न किसी प्रकार से भगवान यज्ञेश्वर, भगवान यज्ञ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर करें। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्य को छोड़ना है। प्रभुपाद जी हरि भक्ति सुबोधन से शास्त्र का प्रमाण देते, हमारे आचार्य, हम देखते कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान भक्त है, उनका एक वाक्य भी अगर वे बोले तो उसको प्रमाण है, खुद के वाक्य प्रमाण है, लेकिन फिर भी इतने प्रमाण देते शास्त्र से कि हमारे मन में कोई डाउट कि जो हम कर रहे उसके पीछे क्या है। हम तो सोचते हैं कि हरि कृष्ण महामंत्र जाप करना या हरि कृष्ण कीर्तन ये आम है, हमें भजन चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो सामान्य लोगों के सामने भजन, ताकि वे इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए थोड़ा भजन गा लिया, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जितना भी हो हरे कीर्तन ही कर, कीर्तन ही कीर्तन, कीर्तन जितना कीर्तन करेंगे उतनी भगवान की पूजा, ये यज्ञ है। जब हम हरे कृष्ण धुन गाते हैं, हरे कृष्ण जाप करते हैं, जो भी करते हैं, ये सब जो है यज्ञ है, ये है भगवान। सिर्फ भगवान कहते मैं प्रसन्न हो जाता, नाम नाम अकारी बहुदान भगवान परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य मानो स्वयं कहते। तो भगवत भक्ति हीनस्य जति, जाति के लोग कुछ जाति लोग करते हैं ऐसे शास्त्रम जपस, तो ये देह को सजाते और ये किसके लिए है? मंडनम लोकरंजनम, ये लोकरंजनम लोगों के एंजॉयमेंट एक्चुअली एक प्रकार का ही है, पता नहीं, पर ये सब हो रहा। तो कृष्ण भावनामृत के बिना कोई राज्य तंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान, डेकोरेशन माना डेड बॉडी, भगवान के बिना कुछ नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें ये शरीर जो है एक मृत है, ये शरीर मरा, तो हमें इतना गर्व नहीं रखना चाहिए कि हम इस शरीर में, क्योंकि सब कुछ, जैसे कि अर्जुन को महसूस हुआ जब भगवान ने
कि वही गांडीव है, वही जो है तीर है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और मैं इनको वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूं। बट भगवान की अनुपस्थिति में ये सब व्यर्थ, क्योंकि भगवान नहीं रहे तो ये सब व्यर्थ है। तो कहते हैं भस्मम हुतम कुहुका आदम इवाप्तम, कि एक भस्म चीज जो राख के ऊपर घी डालने के बराबर कोई वैल्यू नहीं है। I have the very same gandhi, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as same as I did, but in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. Turan khatam, sab kuch. It's exactly like offering clarified butter on ashes. Accumulating money with a magic wand, or sowing seed on a barren land. Beautiful work. So we should not be puffed up by borrowed plumes. You know, borrowed feathers. The English, British are very smart. They've taken all this. Don't think that you can something. You try to show some value of, when you are so valuable by using borrowed feathers, and these are all borrowed feathers. Whatever qualities we have, whatever energies, all energies and powers are derived from Krishna. जितनी भी शक्ति हमारे है, जितना भी हमारे पास जो कुछ भी है, वो भगवान से कृष्ण से प्राप्त हुआ। और जब भगवान चाहते वो उनको वापस ले सकते हैं। अर्जुन को भगवान ने दिखाया महाभारत के युद्ध में, उन्होंने सोचा कि मैंने जीता, तब वो कौन कौन था, ऊपर देख रहा था पर्वत खाटू श्याम देख रहे क्या हो रहा है, सब लोग सोचे हमने ये सब किया। तो ये बात प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि ये बिजली, बिजली कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से बिजली आ रही है, और इसके लिए बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब सोखता है, मैं रोशनी दे रही हूँ, लेकिन अगर बिजली घर ने अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया तो ये बल्ब क्या करेगा। बल्ब का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस, डेड। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा विद इन द बॉडी, नहीं तो ये शरीर डेड है, ये खोखला है। जब तक आत्मा है और परमात्मा है इस शरीर के अंदर, ये चलता है, लेकिन जब भगवान चाहे वो ले लेंगे वापस, तो क्या है, शव बन। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को खिलौने देती है खेलने के लिए, और जब वो चाहती है वो उनसे ले लेती है, इसी प्रकार से भगवान ये जो पूरा जितना जगत है भगवान देन है। देखो ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड बी डोवटेल्ड विद द सुप्रीम, एक डोवटेल करना चाहिए आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को लेकर ये भगवान के चरण कमलों की ओर ले जाना जरूर। इसीलिए पूरा जो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, हम फ्लैपिंग कर बॉडी, वी आर फ्लैपिंग। कह रहे कि ये ऐसे ऐसे करो तो
उससे जो है खून ऊपर आएगा, पैरों को ऐसे ऐसे करो, फ्लेक्स करो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, तो खून ये होता है। मैं फ्लैप कर रहे चला रहे, अभी गाड़ी पुरानी हो गई तो चलती नहीं हो अपने आप, तो उसको धक्का देना पड़ता, तो धक्का देने के लिए और भी फ्लैप करना पड़ता है, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ये करो वो करो, तो पर कितने देर तक। तो इसीलिए शरीर पहले से ही मृत है। जिस प्रकार से हम एक कोट पहनते हैं, वो कोट जो है ऐसा ऐसा हो रहा है क्योंकि वो शरीर के ऊपर, उसी प्रकार से अगर उसको कोट को निकाले वो क्या हिल सकता है? नहीं हो सकता। सब कुछ हिल रहा है क्योंकि ये शरीर, उसी प्रकार ये शरीर हिल रहा है क्योंकि भगवान परमात्मा अपने हृदय में, और परमात्मा आत्मा, इसीलिए तो अप्रनस्येव मननम लोकरंजनम। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है निरंजनम, निरंजनम मतलब बिना किसी ये सब डेकोरेशन। और वो निरंजनम क्या है? भगवान की तो ये पॉइंट है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उनकी बहन देवहूति कर्दम मुनि को ब्याह थी और वे भगवान कपिल देव की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान विष्णु की मौसी थी। एक मौसी की तरह उन्होंने प्रार्थना करी, बहुत सुन, बहुत प्यार से उनसे भगवान से कह रही है कि आप इस प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। इस श्लोक की यही विशेषता है कि हम इसमें विष्णु की प्रसन्नता लक्ष्मी के साथ साथ की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से क्या कहा है, श्रीनिवास श्रीयकांता, श्रीनिवास श्रीयकांता क्या वर्ड्स है जो प्रसूति ने श्रीनिवास, श्रीनिवास जो श्रीनिवास भगवान क्या है अपने हृदय में श्री को, उनके साथ है वे, कभी भी उनसे अलग नहीं होती श्री, इसके लिए श्रीनिवास, श्रीय लक्ष्मी कांता, श्रीनिवास श्रीय कांता लक्ष्मी देवी, भगवान विष्णु की पत्नी, श्री की स्वामिनी, सभी जो शुभ चीजों की। तो श्री लक्ष्मी और सब कुछ जो भी है सब वे प्रदान करते, सभी जो शुभ और जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी प्राप्त होता है, ऑल बेनिडिक्शन एज रिजल्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम ग्रेट सैक्रिफाइस आर फेवर्स गिवन बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। उनके कारण सब जो है प्राप्त किया जाता है। बींग द हस्बैंड ऑफ द लवर ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। तो इस प्रकार से यज्ञपति श्री भगवान, श्री के बिना नहीं, तो
लक्ष्मी जी कभी भी भगवान से, तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आई जस्ट फिनिश इन 2 मिनट्स, देयर सो मेनी थिंग्स बट आई कट लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी वह भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कृपा कामना कर रहे थे, क्योंकि वे भी है साथ, क्योंकि वे उनकी मौसी थी इसीलिए उसे विशेष कृपा चाह रही थी। तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान के संबोधन किया। इस प्रकार इस श्लोक की यह विशेषता है कि इनमें विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ साथ की जाए, इसलिए लक्ष्मी नारायण को एक साथ साथ पूजित किया, पूजा करनी चाहिए, अकेले नहीं, क्योंकि भगवान नारायण लक्ष्मी जी के सिवा नहीं रहे। अगर हम श्री चाहते हैं, अगर हम कृपा चाहते हैं भगवान, तो लक्ष्मी देवी प्रदान करती है। जहाँ भी विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ सौभाग्य स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। जहाँ विष्णु है वहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। भगवान को अमृत, अमृत मृत मतलब डेड एंड अमृत मतलब नॉट डेड। मृत मतलब मरा हुआ और अमृत जो है जो मरा हुआ नहीं हमेशा के लिए, इसके लिए अमृत भगवान विष्णु अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु विष्णु तो सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान थे, तो वे हमेशा के लिए है, इसीलिए वे अमृत, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन विष्णु को उनकी अंतरंगा शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दे, देखो वैष्णव बना दे, जिससे वे सकाम फल के लिए मात्र यज्ञ करता न होंगे। तो ये जो यज्ञ था ये सब उन्होंने कहा कि आप इनको सबको आपकी भक्त बना दे, जितने भी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों से ऊंचा कौन है, वैष्णव। तो अमृत, जब हम भगवान हरि या कृष्ण जो अमृत है, अगर हम उस अमृत को अपने कानों पीते हैं तो हम अमृत तत्व बन जाते हैं, हम भी जो है मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर इस भव सागर को पार करके हम अमृत बन जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?